ऊना के रक्कड़ में साइड से सड़क धंसने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिला ऊना मुख्यालय से PWD विभाग के दफ्तर के बिल्कुल साथ बारिश के चलते सड़क साइड से काफी टूट गई है और कई फीट गहरी खाई हो गई है, जिस कारण वहां पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि स्टेट हाईवे होने के चलते इस पर काफी ट्रैफिक रहती है। वहीं जो सड़क कुछ साल पहले ही बनी है, बारिश होने के कारण सड़क के टूटने से विभाग के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि स्टेट हाईवे पर वहां पर सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से मात्र कुछ लाल रंग के सेफ्टी VLC रखे गया है। मामला मीडिया द्वारा जब विभाग के समक्ष उठाया तो उन्होंने कहा कि बारिश के कारण ऊना में दो जगह सड़क टूटी है, जिसे ठीक करवाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है और इसके लिए टेंडर कॉल किए गए हैं और एक माह तक इसे ठीक कर दिए जाने का आश्वासन दिया है। रोड ऐसा टूट गया हुआ है सर, उसे वेस्ट में क्या कर रहे हैं सर उसको ठीक करने के लिए? ऐसा है, वो बारिश में रेन कट की वजह से या जो स्पेस है ना जहाँ पानी उसमें जाता है, जो नेचुरल वे है, वो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से, इन पानी का इंग्रेस होने की वजह से वो टूट गया। हमारे नोटिस में है, एक और जगह भी हमारा जो है वो साड़ा के पास भी जो है वो ऐसे ही रोड कट गया है। हमने इसका एस्टिमेट जो है वो टाइम से ही भेज के सेंक्शन करवा लिया, इसका टेंडर भी फ्लोट हो गया है। 8 तारीख को इसकी टेंडर खुलेगा, टेक्निकल वैल्यूएशन होगी, तो काम करने की पोजीशन में आने के लिए जो प्रक्रिया है वो उतना ही वक्त लगेगा, लगभग 1 मंथ के अंदर अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ये मान लें कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सड़क बिल्कुल ठीक हो जाएगी? हो जाएगी, जैसे ही मतलब मेरे को कोई जानकारी आती है, क्योंकि ये टेंडर डिवीजन लेवल पर लगते हैं, जैसे ही मेरे को कोई जानकारी आएगी तो मैं, अगर आप मेरे से कोई जानकारी शेयर करना चाहेंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा इसकी। सर सड़क के सर हादसा ना हो तो उसे बेस में क्या कर रहे हैं? उसमें हमने थोड़ा सेफ्टी लगाया है, अगर आप अभी आए हैं थोड़ा बताया है आपने कि थोड़ा और जो है उसको सेफ्टी को थोड़ा और सड़क की तरह शिफ्ट किया जाए, तो शाम तक मैं उसको करवा दूंगा। धन्यवाद, मैं सुशील पंडित, इनकाउंटर न्यूज़ के लिए हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना से। धन्यवाद।